हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं एबडोमिन की लार्ज ब्लड वेसल्स सीलियक आर्टरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज का टॉपिक है सुपीरियर मिजैंटेरिक आर्टरी मैंने आपको बताया था कि एबडामिनल uh, जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वो तीन आर्टरीज हैं जो बेसिकली हमने पढ़नी है वो है सीलिय ट्रंक नंबर टू पे था सुपीरियर आर्टरी एंड नंबर थ्री पे था इनफीरियर सो so, आज की वीडियो डील करेगी सुपीरियर आर्टरी ओके इट इज द आर्टरी ऑफ द मिड गट जैसे मैंने आपको सिलेक्ट ट्रंक में बताया था कि दैट इज द आर्टरी ऑफ द फोर दिस सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी या अक्सर इसको हम इस तरह भी एप्रीविएट करते हैं एस एम ए इज बेसिकली द मेन आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द मिड गट अब मिड गर्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें आएंगे जिसको ये सप्लाई करती है वो आपको समझना जरूरी है पहला लोअर पार्ट ऑफ डे बिलो द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक पहले भी आपको ये बात बताई है कि जो डेआर्डिनम है विच इज अ सी शेप्ड पार्ट ऑफ योर गट उसमें यहाँ मिडल में कहीं बाइल डग एंटर होती है इस बाइलडक की एंट्री से ऊपर का सारा पार्ट इज द फोर इसके बाद का जो पार्ट है डिओनम का दैट इज द मिड गट सो जो ऊपर का पार्ट है इट इज सप्लाइड बाय द सीलियक ट्रंक और जो बाइलडक्ट की एंट्री के बाद का पार्ट है यानी जो मिड है इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी ओके So superior mesenteric artery supplies the lower part of the diodenum, It supplies jejunum, which is intestine's part, it supplies the ileum, appendix, cecum, ascending colon, and right 2 two-third of the transverse colon. Okay? Yani so, the ascending colon, or the transverse colon hai, uska right two-third, yani so, right side ka two-third is supplied by the superior mesenteric. Okay? The lower half of the head of the pancreas also. So these are all the organs which are supplied by superior mesenteric artery. So, राइट साइड एंड डाउनवर्ड ओके और इसके

Uh, पहली जो अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें सीलेक्टरंग डिस्कस किया था उसमें बताया था कि सीलेक्टरंग निकलता है बिटवीन T12 एंड L1 और L1 के बैक साइड पर जो निकल रहा है वो क्या है सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी सो बिहाइंड द लेवल ऑफ द L1 वर्टीब्रा वन सेंटीमीटर ब्लो द सीलेक्टरंग सो so, सीलेक्टरंग के बिल्कुल नीचे ओके इट रनस डाउनवर्ड्स

ट प्रोसेस है दिस इज दिन प्रोसेस ऑफ एग्रियास उसके फ्रंट पे आ जाती है एंड देन इट क्रॉसेज द थर्ड पार्ट ऑफ द डिओनम Next, it crosses the third part of the jejunum enters the root of the mesentery, and runs between the two layers of the mesentery. It terminates in the right iliac fossa by anastomosing with the branch of the iliocolic pelebian gut ki blood vessels. They heavily anastomose with each other. So now imagine this is the artery which is arising from uh, abdominal aorta at the level of the L1 vertebrae going right. डाउनवर्ड एंड राइट आईलिय फोसा में या राइट आईलियो कॉलिक के साथ नैस्टोमोस करके सो ये इसकी पूरी टेरिटरी है इस पूरी टेरिट्री में इसके ऑब्वियसली कुछ एंटीरियर रिलेशन होंगे कुछ पोस्टर रिलेशन होंगे वो भी हम पढ़ते हैं ठीक है यह एक साइड वे है दिस इज दबडोमिनल एटा सबसे ऊपर जो एब्डोमिनल में मेजर ब्लड वेसल एबडोम के लिए निकलती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए वो सीले सीले ट्रंक ट्रंक है और सीले ट्रंक से तकरीबन सेंटीमीटर नीचे नेक्स्ट जो ब्लड वेसल निकलती है दैट इज द सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी ठीक है एल वन के लेवल से निकलती है और राइट आई फोसा तक जाती है अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की मैंने अगर कौन सी डायग्राम थी कहा गई दोबारा देखते हैं ये डायग्राम सो so अगर इस डायग्राम को देखें तो हम सुपीरियर मिजेंट्री आर्टरी को एक्चुअली दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि एक इसका वो पार्ट है जो मिजेंट्री में एंटर हो चुका है यानी रूट ऑफ मिजेंट्री में एंटर हो गया ये वाला पार्ट लेकिन रूट ऑफ मिजेंट्री में एंटर होने से पहले एक वो पार्ट है जो पेंक्रियास के पीछे है सो दिस इज अ पार्ट विच इज अब दी इन द मिजेंट्री और एक वो पार्ट है सुपिर मिजेंट्री आर्टरी का विच इज बिलो द एंट्री इन टू द मिजेंट्री सो जब रिलेशन पढ़ाए जाते हैं तो वो भी इसी तरह पढ़ाए जाते हैं अबव द रूट ऑफ मिजेंट्री एंड विद इन द रूट ऑफ मिजेंट्री या बिलो द एंट्री इन टू द मिजेंट्री ये तो शायरी बन रही है एंट्री इन टू मिजेंट्री समझने की बात यह है कि मिजेंट्री में इस पॉइंट पर सुपीरियर मिजेंट्री का आर्ट्री एंटर होती है सो विद इन द मिजेंट्री अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं और अबव द मिजेंट्री अलग रिलेशनशिप्स हैं तो अगर आप देखें सो अबव अब दी इंटू द मिजेंट्री इट इज लाइंग बिहाइंड द पैंक्रियाज सो पैंक्रियाज इज एक्चुअली इन द एंटीरियर रिलेशन सो दैट शुड मेक सेंस टू यू सो एंटीर इट इज रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज as well as to the splenic vein and posteriorly it has aorta in the left renal vein also the uncinate process.

रिलेशन so याद रखना मुश्किल नहीं है ये वाली आप डायग्राम याद रखें अगर दिस पर्टिकुलर डायग्राम सो so इसमें ये पॉइंट याद रख लो कि इस पॉइंट के ऊपर जो है ये वो सारा पार्ट है सुप्रेमिजेंडिक आर्टरी का जो अभी मिजेंट्री में एंटर नहीं हुआ और ये पार्ट पेंक्रियास के पीछे है चूंकि ये पेंक्रियास के पीछे है तो पेंक्रियाजी रिलेशन में आ जाएगा और फिर ये पार्ट जब ये मिजेंट्री में एंटर हो जाती है तो बेसिकली इट इज एक्चुअली क्रॉसिंग फिर ये डायग्राम याद रखनी है इट इज क्रॉसिंग द इनफीरियर एंड द स्वास मसल है ओके अब ब्रांचेज किसी भी आर्टरी की ब्रांचेज बहुत बहुत बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ठीक है सो द सुपीरियर सुप्रियम आर्टरी गिव्स ऑफ एक तो आपको पता है कि ये कौन से रीजन को सप्लाई करेगी इट इज गोइंग टू सप्लाई दिट गठ है ना क्योंकि दिस इज द आर्टरी ऑफ द मिड ब्रांचेस बोथ फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट साइड अच्छा ये लाइन पढ़ के ना मेरे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे ये सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है और पांच यहां पे चूंकि लिखा हुआ इस तरह से है कि फाइव सेट्स ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम बोथ साइड्स यानी वो समझते हैं कि एक ब्रांच यहां से निकलेगी तो उसका कपल यहां से निकलेगा ऐसे पांच यानी टोटल दस आर्टरीज निकल रही हैं हालांकि ऐसा नहीं है इस बात को जरा गौर से समझिए ये एक्चुअली यू है कि टोटल पांच तरह की आर्टरीज निकलेंगी पांच ब्रांचेज हैं इन पांच ब्रांचेज में से चार ब्रांचेज वो हैं जो राइट right साइड से निकलती हैं एक्चुअली और जो पांचवी जो सेट ऑफ आर्टरीज हैं वो लेफ्ट साइड से निकलती

द सेकेंड ब्रांच जो राइट साइड से निकलती है मिडल कॉले उसके बाद एक लॉन्ग ब्रांच विच इज राइट कॉलेक एंड देन तो ये कितनी हो गई है वन टू थ्री एंड नाउ दिस इज़ इज़ द फोर्थ वन ये चारों यानी इनफीरियर प्रंक्रियाल सुपीरियर पेंक्रियाटिक प्रंक्रियाल जो है वो सिलेक्ट ट्रंक के एक्सेस में थी मैंने आपको वहां पढ़ाई थी वीडियो में देखिएगा जरूर सो पहली ब्रांच इंफीरियर प्रक्रिया ज्यूजिनल दूसरी ब्रांच मिडिलकॉलिक तीसरी ब्रांच राइट कॉलिक और चौथी ब्रांच आईलियो कॉलिक ठीक है सो दैट्स द सुधर्श ये चार ब्रांचेस निकलती हैं ऑल ऑफ देम फ्रॉम द राइट साइड ये सारी की सारी राइट साइड से निकल रही हैं लेफ्ट साइड से इस तरफ से कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं दे आर ऑल कंबाइंडली कॉल्ड जजनल एंड आईलियल ब्रांचेस ठीक है तो ये हैं पांच सेट ऑफ आर्टरीज यानी दे आर नॉट इन टोटल टेन आर्टरीज दे आर एक्चुअली फाइव डिफरेंट आर्टरीज इसमें से चार निकलती हैं फ्रॉम द राइट साइड और एक सेट ऑफ आर्टरीज निकलती हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो राइट right साइड निकलती हैं उनके नाम हैं इंफीरियर पेंक्रिया जिजिनल मिडिल कॉलिक राइट कॉलिक एंड इलियो कॉलिक और जो लेफ्ट साइड से निकलती है दे आर ऑल कॉल्ड जजिनल एंड आइलियल ब्रांचेस सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और अगर आप राइट साइड की ब्रांचेस को देखिए सो so इसी डायग्राम पर पूरी टेरिटरी मार्क हो रही है जो पहली ब्रांच थी जिसको हमने नाम दिया था सुपीरियर सॉरी एज द द द नेम इंडिकेट्स इट सप्लाइज एंड हाफ ऑफ सुपिरियर जो दूसरी ब्रांच थी इसका नाम है मिडिल सो so ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती है एंड देन इट डिवाइड इन अ राइट ब्रांच एंड अ लेफ्ट ब्रांच ओके टू सप्लाई डिफरेंट पार्ट ऑफ कोलॉन एंड विद द नेबरिंग ब्रांचेस फिर जो राइट कोलिक है इट ऑल्सो सप्लाइज दी Flagger, the uh

ज रिकार्डरी गिज्ज ऑफ फाइव सेट्स अब आपको ये समझ में आ गया राइट right साइड से कौन कौन सी आर्टरीज निकल रही हैं? है जर्नल मिडिल कॉलेक मैंने आपको समझा दिया ये ऑलरेडी डायग्राम पे तो मसला नहीं होना चाहिए राइट कॉलेक इन आइडियो कॉलेक, लेफ्ट साइड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो 12 से 15 आर्टरीज होती हैं विच आर कॉल्ड जजनल एंड आई अब इनके थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दिए विच इज ऑल द सेम जो मैंने आपको यहां पर समझाया पढ़ लेते हैं क्विकली इफीरियर पेंक्रिया आर्टरी ओके एट द अपर बॉर्डर थर्ड पार्ट ऑफ दिटरीय ब्रांच विच रन ग्रूव सप्लाइड The head of the pancreas and the duodenum and end by anastomosing with the superior pancreatic journal. Okay, so you have the same name, ka superior counterpart. Hai. Uske karta hai. so the first branch, which is inferior pancreatic journal, it supplies pancreas and duodenum and anastomoses with the superior pancreatico duodenal artery. Okay, no difficulty. Next one is the middle colic. So, where is the middle colic? The next one, this one is the middle colic. Okay. Now the middle colic artery arises from the right side of the superior mesenteric artery just below the pancreas it runs downward forward and transfers in the mesocolon divides into a right branch and then also a left branch which anastomoses with the neighbor uh, hood branches okay it supplies transverse colon easy busy stuff right colic artery arises near the middle of the concavity of the superior mesenteric artery so this is the right colic artery we have already discussed this it divides into a superior and inferior branch Ye upper and lower branches mein divide or an neighboring branches ke no difficulty iliocolic the last branch arises from the right side of the superior mesenteric artery it runs downwards and to the right and divides into superior and inferior branches superior branch and inferior branch okay नाउ द सुबिले ब्रांच इनास्टोमोस विद राइट कॉलिक आर्टरी ये रही इनास्टोमोसेज राइट कॉलिक के साथ एंड द इन्फीरियर ब्रांच इमोस विद द टर्मिनेशन ऑफ द सुपरियमिजेंट्रिक यानी ये खुद निकल भी रही है सुपेर मिजेंट्रिक से सो इट इस द राइजिंग फ्राम सुपेर मिजेंट्रिक एलियोकॉलिक और फिर ये इन्फीरियर ब्रांच की खुद इसके साथ नास्टोमोज भी कर रही है सुपरामजेंट्रिक ही के साथ द इन्फीरियर ब्रांच ऑफ द एलियोकॉलिक यानी कि इसकी बात हो रही है द इन्फीरियर ब्रांच ऑफ द एलियोकॉलिक दिस वन दिस इज आइलियोकॉलिक ये इसकी सुपेरियर ब्रांच है और ये वाली इन्फीरियर ब्रांच है एट ऑल्सो गिव्स ब्रांचेज टू Um, ascending colon it gives branch to cecum it <clears throat> gives an appendicular branch and it gives ileal branches as well okay Judginal ileal branches are left side se hai, they are usually 15 in number 12 to 15 in number and they supply jejunum and ileum and actually uh, these arteries you know Uh, जजनम और आइलियम की जो आर्टरीज हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न इस तरह का बनाती हैं जिसको हम नाम देते हैं एंड वाजा रेक्टा 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 कहते हैं स्ट्रेट को जैसे रेक्टा सेबडामस मसल है रेक्टा स्ट्रेट मसल वाजा कहते हैं ब्लड वेसल को स्ट्रेट ब्लड वेसल्स जो इस तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती हैं इन स्ट्रेट ब्लड वेसल्स को नाम देते हैं वाजा रेक्टा और ये वाजा रेक्टा बहुत सारे इस तरह के ब्रांचिंग नेटवर्क से निकलती हैं इन ब्रांचिंग नेट

सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की जो ड्रेनिंग टेरिटरी की वेन है उस वेन का नाम है सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए सुपीरियर मिजेंट वेन इज अ लार्ज वेन विच ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन देंडिक्स the cecum, the ascending colon, as well as the transverse colon. So basically, वो तमाम parts जिनको superior mesenteric artery supply कर रही थी blood, उनसे वापस blood को लाना किसका काम है superior mesenteric का? It actually begins in the right iliac fossa, and this should make sense to you. मुझे बता ये बताइए superior mesenteric vessel, यानी ये diagram कहाँ गई भाई? शुरू में जो दिखी थी, this is the diagram. Superior mesenteric vessel कहाँ से कहाँ तक आती है? From L1, वो आती है right iliac fossa तक. तो जो वेन है वो रिवर्स ऑर्डर में होगी वेन राइट एलियोस से शुरू होगी एक्चुअली ठीक है सो so ये वाला पॉइंट यहां पे समझना कोई मुश्किल चीज नहीं होनी चाहिए आपके लिए कि इट बिगिन इन द राइट एलिय फोसा बाय यूनियन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द आइलियोसिकल रीजन It accompanies the superior mesenteric artery throughout its course, and the vein lies on the right side of the artery. Now, the vein terminates behind the neck of the pancreas by joining with the splenic vein to form the portal vein. Boss, is a important concept. This concept is important. Let me find a diagram if I can for you. So, that's the perfect diagram to explain this concept. This is the superior mesenteric vein, which is on the right side of the superior mesenteric artery. So, that's the artery here, and there's a the vein here. Obviously, it's taking blood towards the gut and this is taking blood away from the gut. Okay? So this is the behind the uh, pancreas, splenic vein is joined. So superior mesenteric artery and splenic vein they join together and beyond this point of joining, this is now known as

Set of branches, four uh, are you know from the right side, and fifth set of uh, branches they're from the left side. Okay, so you have to remember all the names, you have to remember the draining vein and how the portal vein is formed. So if you like the video, please subscribe the channel, share the video with your colleagues, and I'll see you in the next video very soon. Take care of yourself.